अपन संस्कृति अपन पहचान बल पहाड़ी छूमी भावना चुफाल मेरा नाम तो हेलो हाय नमस्कार प्रणाम पहला जय देव के हाल चाल हैरान सब ठीक ठाक वाला। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम घूमने जा रहे हैं पर मेरे को पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। हाँ श्यामा गोगिना साइड मैं पहली बार जाऊँगी और ये सब मेरे भाई हैं मामा के लड़के हैं सब। ये पंकू साई है, ये जीवन साई है, ये पप्पू और ये सब मेरे से छोटे हैं पर मैं ज्यादा छोटी लग रही हूँ। आई नो मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस। दगड़ियो अभी हम पहुंचे हैं नाचनी और जीवन को कुछ सामान लेना है दुकान का वही ले रहे हैं। बैंक के वहाँ पे भी हमारे रिश्तेदारी हुए और उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? अब जाएंगे हम सीधा कहाँ जाएंगे पंकु भाई बता दो। तू बता नीचे को आएंगे ऊपर ही रमाड़े होते हुए जाएंगे ना ऊपर को सामा। मेरे को नहीं पता गाइस ये कहाँ ले जा रहे हैं आज। मैं बस बैठी हूँ जहाँ जाती हूँ अब पता नहीं देखते हैं। तो दगड़ियो अभी जीवन की जो है वो दुकान है गांव में तो ये लोग सामान ले रहे हैं बाहर पे। और आज सुबह सुबह जो है बारिश हुई थी थोड़ी बहुत छींटे लगे थे। अभी देखते हैं मौसम तो जो है बहुत ही मस्त हो रहा है ठंडा ठंडा हो रहा है मतलब सही लग रहा है। तो अब देखते हैं आगे को बारिश होती है नहीं होती है क्या होता है देखते हैं पर मौसम जो है बहुत मस्त हो रहा है। अभी ये लोग सामान ले रहे हैं बर्फ नहीं पड़ी होगी तो वहाँ तो बढ़िया था यार शामा में नहीं है वो रुकने वाला उनसे आज तो दीदी को लेके आई हूँ। तो दगड़िया अभी हम यहाँ मैगी खा रहे हैं शायद वो लोग मैगी का ऑर्डर देने गए हैं चस्का टू इसका नाम है। तेजम हुआ क्या? हाँ तेजम से आगे बुबू का सिंगाड़ भी पोसते हुए आ गया। और यहाँ पे भीड़ लगी हुई तो हम कार के अंदर ही हैं। मौसम बड़ा सही हो रहा है 11 बजने वाला है और अभी भी ऐसा मौसम है। ये कौन सी नदी है? रामगंगा ही है ना? चाह को अमला लगो चाह पति ने बक्सता लो कहने तोड़ो पैसे या कहने बस देखो कितने पैसे हैं पैसों की कमी नहीं है बिल्कुल भी। दस पैसा 1986 का जब हम पैदा भी नहीं हुए होंगे। ये 2017 का है ये तो ये अभी का ही है शायद से 2022 का है ये नया। हमारी मैगी आ चुकी है गाड़ी के अंदर ही ये। चस्का ढाबा की मैगी दिखने में तो टेस्टी लग रही है खाने में पता नहीं कैसी होती है देखते हैं बताते हैं अभी आपको कैसी है खाने में। हमने खा दी है मैगी। मैगी जो है बहुत टेस्टी थी उन्होंने उसमें नींबू का तड़का भी लगा रखा था कुछ तो मेरे को टेस्ट आया नींबू का पर मस्त थी। ये अभी लेके आए इसको क्या बोलते हैं आपके वहाँ पे? हम तो बुढ़िया के बाल बोलते हैं ये गुड़िया के बाल बोल रहे हैं। मैं दिल्ली में हम लोग बुढ़िया के बाल बोलते थे वैसे कॉटन कैंडी हुई बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है शायद से। अब हम चल रहे हैं ढाबे से खाना वाना खा के मैगी खा के टेस्टी थी मैगी मस्त थी। गोभी भाई कैसी थी? कैसी थी? आपको कैसी लगी? अच्छी लगी मुझे। ये तो खाने वाली हुई है आगे मैंने फर्स्ट टाइम खाई पर अच्छी थी नींबू भी डाला था उन्होंने इसमें पर टेस्टी थी। अभी मौसम नहीं खुला है बढ़िया लग रहा है ऐसा मौसम ही वैसे।
हमने आपके पैसे देख लिए, सब्सक्राइबर्स को भी दिखाया, हम बहुत अमीर हैं। 10 पैसा फिर रामगंगा। ये हम कहाँ पहुँचे हैं अभी तेजम? टिमटिया। अभी हम पहुँचे हैं टिमटिया। टिमटिया भैंस खाल भी सुना है मैंने एक जगह का नाम। अरे वाह, भाई को तो सब जानते हैं, जो देखो तो हाथ सल्यूट करके जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं भाई को देख रहे हो, गुंडागर्दी नहीं नहीं गुंडागर्दी तो नहीं, रिस्पेक्ट। अभी हमें यहाँ जाना है, इधर ही ना पूरा घूम के, यहाँ से पास दिख रहा है, वैसे है नहीं पास, इसके यहाँ से पूरा घूम के जाना हुआ। 26 किलोमीटर दिखा रहा था पीछे तो। ये बागेश्वर एरिया आ गया पूरा। अभी हम बागेश्वर में, वो बागेश्वर वालों देख रहे हो, हम आपके एरिया में घूम रहे हैं, अपने एरिया में घूम रहे हैं। अब बागेश्वर आएगा आगे से, पूरा पैर आके कैसा हो रखा है, खतरनाक जगह पे घर है वो नीचे जिनके भी है ना, ऊपर से पूरा पैर आ रखा है। ये वही रोड है ना, एक ही रोड है यहाँ, ये रोड चाइना वॉर में बनी थी, चाइना वॉर में ही बनी थी ना, वो भी आर्मी वालों के लिए, मतलब वहाँ तक आर्मी पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम यहाँ फोटो शूट के लिए रुके थे, मस्त ठंडी हवा चल रही है बहुत ही ज़्यादा, और अभी हम यहाँ मुंशियारी नगर, रामगंगा नदी है पीछे में, यहाँ पे रुके हुए हैं, अब चलते हैं आगे को। अब कहाँ जा रहे हैं हम, अभी भी हमें पता नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं। शामई, अभी तुम मतकोट बोला था, कपकोट, पर वहाँ दूर है, पर दूर है पर वो, तो हम शामई जा रहे हैं। दगड़े हम कपकोट जा रहे हैं, गूगल मैप्स की कमी की वजह से, नेटवर्क की कमी की वजह से कहीं भी चल देंगे, अब तो पहुंच ही जाएंगे, घर तो पहुंचना ही है। यहाँ तो बैक करने की भी जगह नहीं है, चलते रहना है। चलते रहना है, जहाँ निकल गए एक बार निकल गए बैक नहीं कर सकते यहाँ। तेजम ये तेजम कौन सा है फिर? कपकोट तेजम मोटर मार्ग। हम आपको बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली। हमें भी कंफ्यूज है कहाँ जाए। जी रहा जग रहा उन्हीं रहा पेंटिंग कर रहा जी रहा जग रहा उन्हीं रहा आए गए हम। जी जग रहा आगे को। तेजम फिर इधर से आएंगे, थोड़ा आगे आगे करके हम बहुत आगे चले गए। इसने दुकान के लिए ली थी नमकीन की लड़ी, खा खा के यही खत्म कर दी।
दिख रहा है कार्ड को तब दगड़े हम हल्द्वानी जा रहे हैं आप लोगों को उल्लू बना रहे थे हम कार्ड गोदाम पहुंचने वाले देखो काठगोदाम रेलवे स्टेशन लिखा है बाद दिल्ली फिर दिल्ली ये मेरे को दिल्ली छोड़ने जा रहे हैं एक्चुअली काठगोदाम क्यों लिखा होगा यहाँ इतनी दूर है तो उस वजन जा रहा है वही तो ये बोर्ड वालों ने हमें घुबरा दिए है सामने भी छोटा सा रहे वहाँ पे देखते हैं कोट लिखा है हर उसमें जाएंगे ऐसे बोर्ड दिखते रहे तो गूगल मैप्स की जरूरत नहीं है अभी हम यहाँ रुके हैं द जंगल कैफे कपकोट UK 02 गाड़ी की हालत बिल्कुल ऐसे हो गई है सफ़ेद मिट्टी से चाउमीन मैगी अंडे इससे पूछो ना बेचारे से पूछा ही नहीं बोल कोई इज्जत नहीं है बोल तो दगड़ियो फाइनली अभी हमें ये एक कैफ़े मिला है यहाँ पे द जंगल कैफ़े करके नाम है कपकोट में तो अभी हम यहाँ रुके हैं वो लोग अभी पूछ रहे हैं क्या खाने क्या नहीं खाने करके और अभी भी धूप नहीं आई है उतनी और यहाँ से कितना मस्त व्यू लग रहा है नीचे अभी दिखाती हूँ आपको खेती खेत दिख रहे हैं नीचे में यहाँ पे खाने को देखते हैं क्या ऑर्डर कर रहे हैं आधे तो चिकन खा रहे हैं मे बी और मैं तो वेजिटेरियन हूँ देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं अंकल जी धुंध की वजह से देखो कैसा हो रखा है मौसम आज साफ नहीं दिख रहा पर नीचे में इतने प्यारे खेत हैं पूरे खेती खेत हैं ये और कैफ़े भी बड़े अच्छी जगह पर है तो फ़ोटोशूट के लिए भी है कपल्स फ़ोटोशूट यहाँ पर कर सकते हैं मोमो चाउमीन और फ्राइड राइस तुम क्या खा रहे हो चिकन चिकन मैं भी खा दूँ क्या चिकन मजाक कर रही हूँ कितनी जल्दी हाँ बोला हाँ अच्छा बनाया है ये कपल्स वालों के लिए अफसोस हो गया फोटो खींच दी मैंने वीडियो भी बना सूप वेज सूप या नॉन वेज देना आ दिए मोमोज सबको लग गई मरछैल इन मोमोज में मिर्ची थी मतलब मोमो के स्टफ़ के अंदर भी मिर्ची थी और वैसे चटनी में भी मिर्ची थी ये देखो पूरी मिर्ची है। देखो ये आप देख सकते हैं सबूत भैया बना रहे हैं अभी क्या बना रहे हो आप ये चिकन पकौड़ा बना रहे हैं चूड़ा तो मस्त बनाया है आपने टूरिस्ट वगैरह आते होंगे ना यहाँ बंगाली अच्छा कौन से एरिया में पड़ता है वो बता दो फिर आप ये फरसाली में पड़ता है कपकोट में आए जगह फरसाली हुई मुंशारी हाईवे हुई है गांव वो पड़ता है हमारा तहसील कपकोट पड़ता है कपकोट द जंगल कैफे आप लोग आ सकते हैं यहाँ बुबू की टोपी मस्त है एक एक वो ऐसे कर देते हैं पूरा हम से जैसे हो गया ना इनको बहुत अच्छा लगा देखो एक मिनट इनके बहुत भर लगा मेले ये भी चीज है चलिए अब आप न्यूज़ में खींचते मेरे को वो करते हैं यार थोड़ा खुट काटा था ना समझ जा मारा इन्होंने पहचान लिया है ऑनर रहे हैं कैफे के ना आप मैं खुद ही ऑनर हूं खुद ही ऑनर हैं कैफे के और टेस्टी था आपके यहाँ खाना चाउमीन और मोमो खाए हमने सूप पिया सूप भी बहुत टेस्टी था तो आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं
एड्रेस तो बताई दिया है इन्होंने, कपकोट में आए, कपकोट से 8 किलोमीटर आगे है सामा वाली मुंशारी रोड हाईवे में। हाँ तो आप लोग यहाँ पे जरूर आइएगा और मिलके अच्छा लगा इनसे, थैंक यू सो मच। तो दगड़ियों हमने खा दिया चाउमीन मोमोज सूप, इसको ठंडा लग रहा है, मेरे को इतनी ठंड नहीं लगती, मतलब ठीक ही हो रहा है। मेरे को बर्फ़ में भी ठंड नहीं लगी थी पिछली बार बाइक में, वो भी सोच। तो यहाँ लोगों ने पहचान लिया, मैंने मास्क पहना हुआ था फिर भी फ़ोटो शूट मतलब वो फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा लिए यहाँ पे। अब हम चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं अब हम पता नहीं, अब हम घर को जा रहे हैं बागेश्वर से होते हुए। बागेश्वर से जा रहे हैं, लेट जाएंगे बागेश्वर से। तो अब हम यहाँ पता नहीं कौन से रास्ते से जा रहे हैं, महल गाड़ी से जा रहे हैं शायद। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, ये लोग ये ब्लॉग में देखेंगे अब हमें। जब हम हिटनो माठू मार्ट माठू मार्ट हिटनो अब यहाँ पे। बाय, ओके भैया, बाय बाय, आना कभी। हाँ हाँ भैया जरूर, और नाइट में भी रहोगे तो हो जाएगा टेंट की व्यवस्था। ठीक है भैया, ठीक है। तो दगड़ियों हम रास्ता भटक गए थे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, भटके तो नहीं थे, पता था हमें हम कहाँ जा रहे हैं करके। हाँ ऐसा मैं सोचना कि हम भटके थे पर हम सही जगह पहुँचे, कैफ़े बहुत अच्छा था वो द जंगल कैफ़े, और मोमो भी अच्छे थे, चाउमीन भी अच्छी थी, और भैया लोग भी अच्छे थे वहाँ के। वो लोग बोल रहे थे अच्छा लगा हमें आप आए यहाँ पर उन्हें क्या पता हम कि हम गलती से वहाँ पहुँच गए थे तो हमें भी अच्छा लगा गलती से पहुँचे हम वहाँ पर अच्छा था, जगह अच्छी थी काफ़ी। अभी लिफ्ट मांगी है इन्होंने हमसे, इतने आगे हमारी कार में। तभी गजब दिखी ना हा बान माँ बान बान दिखी ना हा बान टुकुड ये माँ भी हमारे तो मोबाइल में ताला गिर जाते हैं। हाँ ये तुम्हारे मोबाइल में आ जाल हाजी मैं दिखी जाला हाजी मैं अपुन घर में कोई नंतिन वाले वे कई भावना चुपाल को हुकर पूछी पे तुम्हारे वीडियो आ जाए लूम में। ठीक है नाम याद रखी हाँ भावना चुपाल वीडियो चाहे जला ये मैं किरदीत सुबह किरदीत अच्छा किरदीत को भी आप माल बैंकवर्ट है अच्छा हमने इतने सारे को लिफ्ट दे दी। ठीक ही हुआ, कब तक पहुँचते हैं, रात हो जाती है अन्यारे जनते भी नहीं वहाँ पहुँच जनता। भावना चुपाल हाँ तभी नहीं याद गए है हाँ तो चुपाल याद रखी पेपोन न कही कोई वलजबत यूट्यूब में लगा दिए भावना चुपाल तो तुम्हारी वीडियो आ जाए लोग हाँ गजब होनी है मैं सुनी जा बोली पीछे वाले बोल रहे हैं हंसाने वाले अच्छे हैं पर जाओ खोल दिया चलो आप बाय 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 दगड़ियो बाय बाय हाँ जनवर ओके दगड़िया अभी हमने लिफ्ट दी इन्होंने तो अम्मा ने आशीर्वाद दिया है बैग बैग नोटे जाओ मतलब अच्छे पैसेंजर मिले अच्छे कमाई हो जाए करके आशीर्वाद दिया अम्मा ने
अभी तक तो वो शाम तक ही पहुँचते ना। गाइस पहाड़ों में ट्रैफिक तो नहीं होता पर ये वाला ट्रैफिक जरूर होता है। जाते जाते भी हमें जी रहे जग रहे वाला आशीर्वाद दे रहे हैं। हम पहुँच ही गए बस, अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर हैं। हम मेहर गाड़ी के पुल में पहुँच गए आखिरकार, यहाँ पे फोटो खींचेंगे अब, फिर चलते हैं आगे को। फोटो शूट कर लिए, अभी बजे हैं 5, आज हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे हैं पंकू। आपने हमारा मुंसहरी वाला व्लॉग देखा होगा लास्ट, तो उसमें हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो अब वो वाला व्लॉग देखना और उसमें देखना हम कितने बजे पहुंचे थे घर। आज हम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, पक्का पहुंच जाएंगे 6 बजे। हाँ लगड़ियों देख रहे हो, डिस्को लाइट भी है भाई की गाड़ी में, हल्के में लेते हो आप लोग। बुकिंग पे भी जाता है भाई, फरारी बना रही है बिल्कुल। अबे यार मस्त लाइट, मेरे को भी लगानी है यार ये अपने रूम पे ना, वहाँ रील्स बनाने के लिए अच्छे है ना। गाड़ी ले जाओ। तो फाइनली हम भैंसकोट पहुंच गए, ये रहा चमचमाता हुआ हमारा भैंसकोट। रात को, रात नहीं हुई यहाँ पर, अंधेरा लग रहा है, अभी 6 बजे है। हम पहुंच गए हैं घर, चलो फिर मिलते हैं। हाँ ओके बाय बाय, अब अंधेरा हो गया है। बाय। तो दगड़ियों आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अभी हम घर पहुंच चुके हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया है, घर आते जो है बारिश हो गई थी और फिर उसके बाद अभी भी बारिश हो ही रही है बाहर पे, थैंक गॉड जब हम गए तब बारिश नहीं। वैसे भी हम कार में थे तो इतना पता नहीं चलता, बाइक में होते तो टेंशन थी कि बारिश की। और थैंक यू सो मच पप्पू हमें, मतलब मेरे को घुमाने के लिए, पप्पू पंकु और जीवन को। तो ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो उनको अभी मैं थैंक यू बोल रही हूँ।